हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई फिल्म पानीपत को। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत कीजिए। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं आज आशुतोष गोवारिकर की पानीपत रिलीज हुई है, तो कहानी हिस्ट्री का एक चैप्टर है। 1761 में पानीपत की तीसरी बैटल लड़ी गई थी बिटवीन मराठा के सदाशिव राव भाऊ, जो कि अर्जुन कपूर बने हैं, एंड द किंग ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दली, जो कि संजय दत्त भूमिका निभा रहे हैं। तो ये उस बैटल की कहानी है। फर्स्ट हाफ डिवोटेड है इन प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, जैसे सदाशिव राव भाऊ और उनकी धर्मपत्नी पार्वती बाई, दैट इज कृति सैनन, वो दोनों अपनी पूरी आर्मी लेकर अलग अलग प्रांतों में जाते हैं और अलग अलग किंग्स, उस समय अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजा होते थे, उनका सपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि उन्हें ये हिंट मिल गया है कि अहमद शाह अब्दली यानी संजय दत्त दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं, और उनका डर है कि दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने में देरी नहीं लगेगी। और पहला हाफ इज डिवोटेड टू गेटिंग सपोर्ट, और सेकेंड हाफ प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, और अंत में वॉर जो होता है। ऑफ कोर्स ये वॉर सदाशिव राव भाऊ हार जाते हैं, लेकिन हार के भी जीत जाते हैं, बिकॉज उनकी जो ब्रेवरी है, उनका जो वैलर है, वो सामने आता है। तो हमने ये कोई स्पॉइलर नहीं दिया है आपको, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है और आप तो जानते हैं हिस्टोरिकल फिल्म है, इसलिए हिस्ट्री को बदल नहीं सकते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले चार राइटर्स ने मिलकर लिखे हैं। एक तो है चंद्रशेखर धवालिकर, एक है रंजीत बहादुर, तीसरे हैं आदित्य रावल, और चौथे हैं आशुतोष गोवारिकर। तो कहानी, क्योंकि हिस्ट्री का एक चैप्टर है, इसलिए कहानी पर ज़्यादा कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये एक बहुत बोरिंग चैप्टर है हिस्ट्री का। एटलीस्ट स्क्रीन प्ले इन चार राइटर्स ने जो मिलके लिखा है, बहुत ही बोरिंग तरीके से लिखा है, और इसलिए ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम मिलता है। ऑडियंस अपने आप को उस कहानी का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि द स्टोरी इज़ क्वाइट बोरिंग एंड स्क्रीन प्ले और भी ज़्यादा बोरिंग है। मिसाल के तौर पर जब सदाशिव राव भाऊ यानी अर्जुन कपूर उनकी सेना लेकर अलग अलग प्रांतों में हेल्प मांगने जाते हैं, ये पूरा पोर्शन अगर 10 मिनट का होता तो भी चल जाता, लेकिन ऑलमोस्ट द एंटायर फर्स्ट हाफ उसको डिवोट किया गया है, क्योंकि इस पोर्शन में कुछ भी नया नहीं है। सेम तरीका है जाकर सपोर्ट मांगना, कभी राजा हाँ कहते हैं, कभी इमिजिएटली हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, तो उन्हें कुछ लालच, कुछ लॉलीपॉप दिया जाता है, तो सेम तरीका है। तो इसलिए ऑडियंस बोरियत महसूस करती है, क्योंकि रेपिटेटिव सी हो जाती है वो पूरी जर्नी जो है। सेकेंड हाफ में भी बहुत सारे रेपिटेटिव सीन्स हैं, एंड जो थ्रिल एक मिलना चाहिए बैटल की फिल्म में, वॉर की फिल्म में, वो बिल्कुल नहीं है। प्लस पेट्रियोटिज्म की भावना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले वो इन्वेडर्स थे और इंडिया के मराठास उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया के प्रति एक पेट्रियोटिक फीलिंग आपके दिल में उभरनी चाहिए जब आप इस कहानी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। वो पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग, वो भावना जागरूक ही नहीं होती है। दैट इज अनदर फीलिंग ऑफ द स्क्रीन प्ले। अगर हम कमर्शियल इंग्रेडिएंट्स, एक कमर्शियल फिल्म में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिन पर कमर्शियल फिल्में टिकी होती है, उनकी बात करते हैं, तो इस फिल्म में रोमांस के नाम पर अर्जुन कपूर यानी सदाशिव राव भाऊ एंड पार्वती बाई यानी कृति सैनन के बीच में प्यार दिखाया है, लेकिन रोमांस ना के बराबर है, कॉमेडी है ही नहीं। इमोशंस, ऑफकोर्स राइटर्स ने कोशिश की है कि इमोशंस पैदा हो, ऑडियंस को रोना है, लेकिन सच पूछो तो इमोशंस पैदा ही नहीं होते हैं। ड्रामा बहुत ही कमज़ोर है, और इसलिए इमेजिन रोमांस ना के बराबर, कॉमेडी बिल्कुल नहीं, इमोशंस छूते नहीं हैं दिल को, ड्रामा कमज़ोर, यहाँ तक कि म्यूज़िक संगीत भी बहुत ही ऑर्डिनरी है। तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक कमर्शियल पॉट बॉयलर के, एक कमर्शियल फिल्म के, एंड आप ये मत कहिए ये हिस्टोरिकल फिल्म है, हम इसे एक कमर्शियल पॉट बॉयलर क्यों बुला रहे हैं। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल है, लेकिन फिर भी एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, कमर्शियल फिल्म है, तो सारे जो
पिलर्स होते हैं कमर्शियल फिल्म के, वो कमज़ोर हैं। अब अगर परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन जिन एक्टर्स को हम मेंशन करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। अर्जुन कपूर जो सदाशिव राव भाऊ, मराठा सदाशिव राव भाऊ की भूमिका निभा रहे हैं, इस फिल्म में वो कैमरा के सामने ज़्यादा खुले हैं, उनके डायलॉग बोलने का अंदाज भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हिज अर्लियर फिल्म्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इम्प्रेस करते हैं। एंड वो अगर इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, लार्जली बिकॉज स्क्रिप्ट बेहद कमज़ोर है। स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के बावजूद कृति सैनन ने काम बहुत ही बढ़िया किया है, और उनके दृष्टिकोण से पूरी फिल्म का नरेशन है, तो उनका जो वॉइस ओवर चलते रहता है, बैकग्राउंड में जो कमेंट्री चलती रहती है, दाद देनी पड़ेगी, वो कमेंट्री बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नरेट की है, बहुत अच्छा नरेशन है। एंड संजय दत्त जो कि अहमद शाह अब्दुल्ली की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान के महाराजा थे, ही लुक्स टेरिफाइंग, बट उनका भी काम ठीक ठाक है। नथिंग टू शाउट अबाउट, नथिंग दैट स्टैंड्स आउट। एक होता है ना कि वाह, इस विलन को देख के एक भय पैदा होता है, एक डर पैदा होता है, मज़ा आ गया, वैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरी फिल्म में मज़ा देने वाला सीन या शॉट एक भी नहीं है। एंड पद्मिनी कोल्हापुरे, छोटा रोल है, लेकिन उन्हें देखकर, उनके काम को देखकर ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर में एब्सोल्युटली घुस गई है। छोटे रोल में भी वो अपना मार्क छोड़ती है। मोनीश बहल है उनके पति की भूमिका में, ही इज ऑल राइट। एंड बहुत सारे और एक्टर्स हैं, साहिल सलाठिया एंड अदर्स हु हैव डन रीजनेबली वेल, बट एक भी एक्टर स्टैंड आउट नहीं होता है। नो एक्टर रियली मेक्स अ मार्क, और इसलिए परफॉर्मेंसेस वाइज ये बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म कहलाई जाएगी। अब स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड परफॉर्मेंसेस के बाद डायलॉग्स के बारे में हम मेंशन करेंगे। अशोक चक्रधार के डायलॉग्स हैं एंड बहुत ही कमज़ोर डायलॉग्स हैं। हिस्टोरिकल फिल्मों में जहां पर पेट्रियोटिज्म सबसे आगे होना चाहिए, उस फिल्म में अगर डायलॉग्स में वो बात नहीं है, वो पंच नहीं है, वो देशभक्ति वाली भावना जागरूक नहीं कर पाते हैं, तो फिर डायलॉग्स डायलॉग्स नहीं कहलाते हैं। दे आर वेरी ऑर्डिनरी, एक भी डायलॉग क्लैपवर्दी नहीं है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में ये फिल्म बनी है, ऑफ कोर्स ग्रैंड है, स्केल है एंड ड्रामा प्रोग्रेस करता है, लेकिन नरेटिव स्टाइल स्क्रिप्ट की तरह ही बहुत ही बोरिंग है, स्लो पेस है एंड ऑडियंस का पेशेंस एक्चुअली टेस्ट होता है, और इसलिए आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन के बारे में हम ये कहेंगे, ही इज नॉट बीन एबल टू रियली इम्प्रेस द ऑडियंस। ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है उनके नरेटिव स्टाइल में। फिल्म में संगीत अजय अतुल का है, और जैसा हमने पहले भी बताया, म्यूजिक में वो दम है ही नहीं। एक होता है ना, दो तीन गाने मज़ेदार हो, हिट हो, सुपर हिट हो, लेकिन इस फिल्म में एक भी गाना स्टैंड आउट नहीं होता है। एंड अजय अतुल का बैकग्राउंड स्कोर भी कभी कभी तो अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंटली सो नहीं है। एंड प्लस जब स्क्रिप्ट इतनी कमज़ोर हो तो अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी क्या हाइटन करेगा, इम्पैक्ट किसका हाइटन करेगा। जब इम्पैक्टलेस सीन्स हैं तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, केवल बैकग्राउंड म्यूजिक से बात नहीं बन सकती है। जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स हैं जो कि ठीक ठाक है, नथिंग टू रियली डांस अबाउट। एंड कोरियोग्राफी, जो डांसेस कोरियोग्राफी राजू खान की है, अगेन वेरी वेरी ऑर्डिनरी। मुरलीधरन सीके की सिनेमेटोग्राफी है जो कि बढ़िया है, और बढ़िया नितिन चंद्रकांत देसाई के सेट्स भी है, प्रोडक्शन डिजाइनिंग उनकी बहुत ही लाजवाब है, बिकॉज बहुत बड़ा कैनवस दिखता है, बहुत आई फिलिंग सिनेमेटोग्राफी है। एक्शन सीन्स अब्बास अली मोगल के हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप अपनी कुर्सी पर एकदम इरेक्ट बैठ के देखें और डर जाएं स्टंट्स में, या डेथ डिफाइंग एक्शन सीन्स हो, वैसे कुछ भी नहीं है। सो द एक्शन सीन्स ऑफ अब्बास अली मोगल, दे आर ऑल राइट बट दे आर ऑल्सो रूटीन। एंड स्टीवन बर्नार्ड की एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक्चुअली स्क्रिप्ट कमज़ोर है, स्क्रिप्ट लंबी लंबी है और बोरिंग है, और इसलिए पार्ट ऑफ द ब्लेम ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन बाय स्टीवन बर्नार्ड द एडिटर, बिकॉज His editing may be good, but it is not crisp enough for the audience to feel engaged. All in all, Panipat एक flop film है। ये film box office पर कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि repeat अगर हम करते हैं, romance ना के बराबर, comedy नहीं, emotions दिल को नहीं छूते, drama कमज़ोर, music बहुत ही कमज़ोर। ओवरऑल इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग इस फिल्म को देखने जाएं और कहें हाँ हमें मज़ा आया। ये फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकती, और क्योंकि ये बहुत महंगी फिल्म है, इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, इवन एग्जिबिटर्स का, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे टर्म्स दिए हैं, सबका भारी नुकसान होगा। दिस वन इज अ फ्लॉप। यहां पर हम आपको बता दें कि आज इस फिल्म को ओपनिंग भी कमजोर मिली है। दोस्तों, आपको हमारा ये पानीपत का रिव्यू वाला वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो, पानीपत के रिव्यू वाला वीडियो कैसा लगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके कमेंट्स का हमें कितना बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर हमें भी सीखने को मिलता है। और अगर आपने पानीपत ऑलरेडी देख ली है तो ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, और आपके हिसाब से ये हिट है, फ्लॉप है, एवरेज है, अबव एवरेज है, सुपर हिट है, जो भी आपको लगा वो जरूर बताइएगा। शुक्रिया।